हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल मैं हूं मयूरी आज हम बात करने वाले हैं मॉल ट्रिप के बारे में तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सो so, आज जो वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो पूरा एजेंडा यहां स्क्रीन पे है तो आपको अगर नवंबर से मी अप्रैल के टाइम में प्लान करते हो जाने के लिए तो ये सबसे पीक सीज़न होती है सेकेंड है मे टू सितंबर मे टू सितंबर के टाइम में अगर आपको जाना है तो प्राइज़ आपको लो मिलेगी क्योंकि वो सीज़न नहीं होती है टूरिस्ट के लिए उसके बाद है अप्रैल सेकेंड हाफ़ से मई सेकेंड हाफ़ तक लो प्राइस और सबसे बेस्ट टाइम होता है ये टाइम के अंदर आप अगर ट्रिप करते हो तो कम पब्लिक वहाँ पे होती है टूरिस्ट कम होते हैं और आप इजीली वहाँ पे आप पूरा मॉलदीव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको मॉलदीव्स में जाना है तो फोर टू फाइव डेज की आप ट्रिप रखो इतना इनफ रहता है चार से पाँच दिन तक इनफ क्योंकि जो एक्सप्लोर करने की जगह है वो वहाँ पे आप फूल लोकल जो भी प्लेसिस है जितने छोटे मोटे आइलैंड है नियर बाय के वो फिर वाटर एक्टिविटी करने तो वाटर एक्टिविटी आप कर सकते हो और वाटर एक्टिविटी के साथ अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाना है तो बहुत सारी आपके पास फेरी है या फिर स्पीड बोट है उसमें भी आप जा सकते हो अब हम बात करते जाने के लिए तो आपको आ, मुंबई से दिल्ली से कोची से बहुत सारी जगह से आपको फ्लाइट मालदीव्स के लिए मिल जाएगी और वहाँ जो आपको उतरना है वो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा ताकि आपको आपकी जो भी टिकट्स है आपका जो बुकिंग एडवांस बुकिंग है वो सब दिखाओगे तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएंगे और वहाँ की जो करेंसी है वो मालदीवियन रुपया है तो जैसे आप एयरपोर्ट पे अराइव होते हो तो आपको बहुत सारे ए बाहर दिखाई देंगे तो वहाँ जाके आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है या फिर आपको विड्रो करने है वहाँ का लोकल करेंसी तो आप विड्रो कर सकते हो अब हम बात कर रहे हैं ये ट्रिप को आप दो तरीके से कर सकते हो सबसे पहला तरीका ऐसा है कि आपको बजट में जाना है तो बजट ट्रिप प्लान कर सकते हो आपको लग्जरियस ट्रिप प्लान करनी है तो आप लग्जरियस ट्रिप प्लान कर रहे हो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले लग्जरियस प्लान के बारे में लग्जरियस प्लान के बारे में आपको जानना है तो बहुत सारे ट्रिप एडवाइज़र है बहुत सारे टूरिस्ट वाले हैं जो पूरा ट्रैवल कंपनी चलाते उनके साथ आप कनेक्ट होकर पूरा एंड टू एंड बजट डिस्कस करके आप लग्जरियस टूर प्लान कर सकते हो मिनिमम उसका स्टार्ट होता है टू लैक्स से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद आप कौन कौन सी सर्विसेज लेते हो उसके ऊपर रहता है तो उसमें आपको वीज़ा से लेके टिकट से लेके सब कुछ आपका ट्रैवल कंसल्टेंट कर देता है बट हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है बजट ट्रिप के बारे में तो बजट ट्रिप में सबसे पहला आता है कि आपको वहाँ की लोकल फेरी में आप जा सकते हो घूमने के लिए नियर बाय या तो फिर आप स्पीड बोट में भी नियर लोकेशन के जो भी आइलैंड है उसका विज़िट कर सकते हो अगर आपको फेरी में जाना है तो फेरी आपका टाइम मोस्ट प्रोबेबली वन एंड हाफ आवर तक लेती है और स्पीड बोट आपको लोकेशन पे जाने के लिए थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट लेती है और हम बात करते हैं दोनों का कॉस्ट के बारे में तो फेरी जो ज़्यादा टाइम लेती है उसमें मिनिमम टू डॉलर से स्टार्ट होती है उसकी टिकट और अगर आपको स्पीड बोट में जल्दी जाना है जो थर्टी फाइव मिनट के उसके अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ट्वेंटी और यूएस डॉलर के आसपास होती है आप मॉलदीव गए हो और वाटर वीला करके एक रिसोर्ट है अगर उसमें नहीं गए हो तो आपकी ट्रिप ऐसे लगेगी कि आपने कुछ मिस कर दिया तो वाटर वीला करके जो भी रिसोर्ट है अगर आप वहाँ डायरेक्ट आप आपकी पूरी टूर बना के जाते हो तो वहाँ रहना एक्मोडेशन के साथ वहाँ की जो भी वाटर एक, एक्टिविटीज़ है वो वहाँ कर सकते हो लेकिन आप बजट खुद से बजट प्लान करके गए हो तो यहाँ पे एक दिन आपको निकाल के जाना पड़ेगा ताकि पूरा जो भी ये वाटर वीला रिसोर्ट है आप उसको एक्सप्लोर कर दो तो आपके चार या पाँच दिन की जो ट्रिप होती है उसमें एक दिन ज़रूर निकालना वाटर वीला रिसोर्ट के लिए अब मैं आगे बात करती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है बिकॉज ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडिंग होती है अगर मालदीव में आप जा रहे हो तो तो उसमें सबसे पहला आ रहा है कि स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी जिसमें पानी के नीचे आप जाते हो और वहाँ पे जो भी अंडर सी होता है आपको वहाँ की जो भी आ, सी के अंदर की जो पीसीस होती है वो आपको दिखाई देती है तो ये एक्टिविटी आप जरूर कर सकते हो फिर आपको सेकेंडली है वाटर आ, वाटर स्पॉट एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आप बनाना राइडिंग कर सकते हो आ, स्पीड बोट का मजा ले सकते हो और स्कूबा डाइविंग के अंदर जिसको अंडर वाटर जाके बहुत सारी स्पीशीज़ को देखना है तो सबसे अच्छा है स्कूबा डाइविंग और मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि मॉलदिवस गए हो तो स्कूबा डाइविंग ज़रूर करना अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ़ूड के लिए अगर आप मॉलदीव्स गए हो और आपको सी फूड्स नॉन वेजिटेरियन और सी फूड्स खाना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी सी फूड्स के लिए मिल जाएगी बट हाँ आप अगर इंडिया से गए हो तो आपको करेंसी में काफ़ी डिफरेंस आएगा वो आपको पता होना चाहिए और ये इंडिया के फूड से मॉलदीव्स का फूड काफ़ी कॉस्टली रहता है तो आप अगर वहाँ पे गए हो तो खाने से पहले एक बार मेनू में आप अमाउंट चेक कर लेना उसके बाद ही ऑर्डर करना ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपकी बजट टिप बनाई है पर खाने के अंदर ही आपका सारा खर्च चला जाए तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो भी ऑर्डर्स करते हो तो आपके बजट के हिसाब से वो फूड डिसेज़ आप अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर होपिंग एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए आपको लोकल uh, जो भी वाले बोट वाले होते हैं या फे फैरी वाले होते हैं स्पीड बोट वाले होते हैं आप इनसे एक बार पूछना और जो भी आपके ट्रैवल कंसल्टेंट है उससे आप ऑनलाइन भी कनेक्ट uh, करके पूछ सकते हो तो दोनों का आप एक बार कॉस्ट डिफरेंस देख लेना उसके बाद आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन से लोकल ट्रैवल लोकल जो भी लोग हैं उसके साथ ट्रैवल करना है वाटर राइड uh, के के अंदर या फिर आपके ट्रैवल एजेंट ने जो आपके लिए हायर करके बोट रखी है उसमें जाना है तो ये दोनों एक बार आप चेक कर लेना उसके बाद ही आप कोई भी जगह पे आप वाटर होपिंग का मज़ा ले सकते हो सो so फ्रेंड्स अगर आपको मॉलदीव्स जाना है वैसे भी सीजन चल रहा है दो, सा, दो साल से कोविड चल रहा था तो कोई भी घूमने के लिए नहीं जा रहा था बट अभी जैसे माहौल ओपन हो गया है कोविड का रिस्ट्रिक्शन बंद हो गया है बहुत लोग घूमने जा रहे हैं तो ये राइट टाइम है अगर आपको मालदीव जाना है तो अभी रस है बट इतना सारा रस नहीं है तो आप आपकी बजट फ्रेंडली ट्रिप ये वीडियो देख के बना सकते हो तब तक मैं हूँ मयूरी साइनिंग ऑफ जय हिंद